गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे टू मसूरी ब्लॉक का और अभी हम लोग जो है होटल से चेकआउट कर चुके हैं और आज हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले केम्प्टी फॉल्स और उसके बाद हम लोग जाएंगे धनौल्टी और उधर वापस से हम लोग अपना ये मसूरी ट्रिप को हम लोग एंड करेंगे आज ही, क्योंकि आज रात में हम लोग का रिटर्निंग है। तो चलिए अब हम लोग होटल से जो है वो चेकआउट कर रहे हैं बस थोड़ी देर में और फाइनली अब हम लोग जाएंगे मसूर केम्प्टी फॉल्स के लिए। तो ये रहा ब्लॉग है केम्प्टी फॉल्स का, तो चलिए हम लोग के साथ और केम्प्टी फॉल्स को एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक एवरीवन। तो हम लोग अभी जैसा कि देख सकते हैं अभी हम लोग फिर से फाइनली पिक्चर पर जो एक बार फिर से पहुंच चुके हैं और क्योंकि हम लोग का जो गाड़ी है वो यहीं पर से पार्क होगा, पार्किंग में है और यहीं से हम लोग एक बार फिर से केम्प्टी फॉल्स में चलेंगे और जैसे ही गाड़ी आता है हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और फिर आप लोग को आगे का बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है यहाँ अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से अभी हम लोग को केम्प्टी फॉल जाना है जो कि करीब यहाँ से आपको 19 किलोमीटर है और करीब हम लोग को एक घंटा लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली एक घंटा लगेगा। तो हम लोग बस यहाँ पर गाड़ी जो है यहाँ पर साफ सफाई गाड़ी हो रहा है तो बस हम लोग जैसे साफ होता है हम लोग चलते हैं आगे और जहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जानने का कहाँ कहाँ जाने का रास्ता है यहाँ से। तो अब चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस अब हम लोग जो है यहाँ केम्प्टी फॉल्स आ चुके हैं और यहाँ पर जो है पूरा मार्केट है यहाँ पर बना हुआ और ये देख सकते हो यहाँ ऊपर से पूरा फॉल्स नीचे आता है और जो ये है आपका यहाँ से आपका ये है आपका पैदल मार्ग जो आपका यहाँ से है केम्प्टी फॉल्स जाने के लिए। तो चलिए और नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर चलते चलते आपको रास्ते में बहुत सारा गेमिंग का भी और कुछ कुछ हॉन्टेड हाउस जैसे ये सब एक्टिविटीज़ करने का आपको ये सब है। यहाँ पर आपको रूम्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे कुछ कुछ जहाँ पर आप आके स्टे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट केम्प्टी फॉल्स आ रहे हैं और यहाँ पर से आपको जो है डायरेक्ट रोपवे भी है, आप यहाँ से डायरेक्ट रोपवे से भी जा सकते हैं अगर आप सीढ़ी से नहीं जाना चाहे तो। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ जो है आप लोग को ये करीब सीढ़ी है वो करीब 250 के अराउंड सीढ़ी है स्टेयर से और इसका जो टोटल लेंथ है ऊपर से लेकर करीब अराउंड 500 मीटर्स का है ये टोटल स्ट्रेच जो कि हम लोग सीढ़ी से आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग रोपवे से जाते तो आप लोग को करीब अराउंड पर हेड 150 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। आप देख सकते हैं रोपवे का वायर है और आप वहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं झरना, यही है आपका केम्प्टी फॉल जो ऊपर से पूरा आता है उन लोग को और हम लोग वहाँ पर उतना नीचे तक जाएंगे। ये वहाँ पर हम लोग को उतना नीचे जाना है, वहाँ पर है इसमें केम्प्टी फॉल्स जो ये पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आजा नीचे आजा। अब जो है हम लोग कुछ अंतिम सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको जो झरना है वो एकदम साफ साफ दिखाई देने लगा है, और हम लोग साइड हट के फंसे हैं। बस आप लोग को दिखाते हैं कहाँ पर है झरना। जैसे झरना हम लोग वहाँ पर जो है वहाँ पर नीचे जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, यही सब कोई वहाँ पर है। और यहाँ पर खासा रिजॉर्ट ये सब भी बना हुआ है, और आप यहाँ पर व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। पूरा पहाड़ ऊपर से जो है ऊपर से आता है वह नीचे तक आता है। चलिए चलते हैं नीचे हम लोग। हम लोग फाइनली जो है सेंट्री फॉल पहुँच गए हैं, और ये यहीं पे सब पूरा बना हुआ है जहाँ पर आप नहा सकते हैं। और यहाँ पर झटका भी आप देखते तो काफ़ी आ रहा है, हम लोग को कोई झटका मिल रहा है। और फिर हम लोग चलिए इसके अंदर एक बार चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं। हम लोग यहीं पर खड़े जो कि जहाँ पर सीढ़ी ख़त्म होता है वहीं पर खड़े, तभी हम लोग काफ़ी झटास आ रहा है, जो पानी गिरा से झटास आ रहा है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। देखिए हम लोग पानी के अंदर आए हुए हैं, और यहाँ पर तो भाई अब हम लोग करीब यहाँ आधा घंटा स्पेंड करने के बाद अब हम लोग चल रहे वापस से यहाँ से, और अब हम लोग ऊपर चलते हुए कुछ खाएंगे, और उसके बाद फिर जो है हम लोग खाद से खरीदते हुए बात करेंगे, और फिर आगे यानी करीब क्या हम लोग जाएंगे धनौल्टी के लिए। तो यहाँ का वीडियो जो हम लोग एंड करते हैं, ये ब्लॉग यहाँ एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया कैंपिंग फॉल्स का, और अब मैं मिलता हूँ आपको अगले लोकेशन पे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।